कृष्ण राधे राधे श्री हरदास। और आज मेरी मम्मी जी के यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा थी और इसलिए आज मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। और अभी बच्चों ने जो है भोग लगाया है और ये सारा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। मैंने सोचा लेकिन अभी जल्दी जल्दी आप सबके लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। ये बैठे हैं सभी लाला, ये बैठी है हमारी प्यारी लाडो, ये देखो। क्योंकि उसके बीच में दूसरे भी फ़ोन में होगा, मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैंने सोचा मैं आपके लिए जल्दी से ये एक वीडियो अपलोड कर दूँ। यहाँ पे ये बैठी है भाई मम्मी। और यहाँ ये आ गए हमारे घर पे, ये आज सारे बच्चे मम्मी के यहाँ पर ही हैं। और ये बैठे हैं, अरे मैं आपको ये बताना भूल गई, ये हमारे लाला की यानी कि हमारे बांके बिहारी जी की खटिया है। इस पे हमारे बांके बिहारी जी सोते हैं और उनका भी अलग बिस्तर लगता है उनके इसी रूम में। और मैं आपको ना बताना भूल गई थी कि उन्होंने इसके लिए भी एक लीला करी थी, तो मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है। और अभी भी पता है मेरे को मंदिर जाना है, तो अभी हम जस्ट अभी मंदिर जा रहे हैं। और क्योंकि आज यहाँ पे भी प्रसादी जो है लाला ले रहे हैं, उसके बाद आज हनुमान जी का चोला भी चढ़ाया है भाई ने, तो उसके लिए भी प्रसादी अभी बन रही है, मतलब सब रेडी हो गया है, बस वो चढ़ने के बाद आएगा। फिर आज जो है भोग भी जो है बच्चों का सारा मीठा मीठा भोग है, क्योंकि आज के दिन जो है मलिदा और बहुत सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं उन्हीं का भोग बच्चों को लगेगा। तो आज सेवा में मम्मी और बेटी रहेगी, मैं और सोना हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज हमारे शिव बाबा का विवाह है भाई, तो उनके लिए आज मंदिर जाना बहुत ज़रूरी बनता है। और अपने लाला को भी दिखाते हैं, अभी रुको, चलो मैं आपको जल्दी से मिलवाती हूँ हमारे शिव बाबा को। ये बेटे हमारे शिव बाबा। ये शिव बाबा ने आज नई चुनरी ओढ़ी है, हमने उनका आज अभिषेक किया था। और देखिए प्रभु से प्रेम करने के लिए श्री विग्रह किस रूप किस धातु किस में है ये कोई मायना नहीं रखता है, बस ये है कि हमें उनसे प्रेम होना चाहिए, अथाह प्रेम होना चाहिए। और हमारे शिव बाबा तो सब है, देखिए शिव और कृष्ण एक ही हैं, तो हमें इनसे भी उतना ही प्रेम हो गया जितना हमारे लाला से है। तो हम यही सोचते हैं कि ये हमारे बाबा हैं और लाला हमारा लाला है, लेकिन मेरा तो क्या बताऊँ मैं आपको कि जो भी है, और इन्हीं की कृपा से अब हम जा रहे हैं मंदिर और होकर आते हैं। और बाकी अब बच्चे रूम में नहीं है, तो देखो इनका रूम जो है कितना खाली खाली लग रहा है, घर भी पूरा खाली लग रहा है। यकीन मानो सारा का सारा काम सिर्फ बच्चों से होता है और बच्चे मम्मी के यहाँ पर है, तो ऐसे लग रहा है यहाँ पे सब खाली पड़ा हुआ है, ऐसे ही सब पड़ा हुआ है। देखो